नीची जमीन के लिए देर से पकने वाली किस्मों के बारे में जान लेते हैं। राजश्री, तैयार होने की अवधि 145 से 150 दिन, औसत उपज 40 से 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, बीज दर 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, बिचड़ा के लिए बीज गिराने का समय 25 मई से लेकर 10 जून तक और इस किस्म की रोपाई के लिए 25 से 30 दिनों का बिचड़ा उपयुक्त होता है। सत्यम, 140 से 145 दिनों में तैयार होने वाली यह किस्म 40 से 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की उपज देती है। 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के बीज दर से 25 मई से 10 जून के बीच बीज गिराना चाहिए। इस किस्म की रोपाई के लिए 25 से 30 दिनों के बिचड़े सही होते हैं। राजेंद्र महसूरी, 155 से 160 दिनों में तैयार होकर 55 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की उपज देती है। 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की बीज दर से 25 मई से 10 जून तक बीज गिराना चाहिए। ध्यान रहे कि इस किस्म की रोपाई के समय पौधों को 20 गुना 15 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाना चाहिए। MTU 7029, 155 से 160 दिनों में तैयार होकर 55 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की उपज देती है। 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की बीज दर से 25 मई से 10 जून तक बीज गिराना चाहिए। ध्यान रहे कि इस किस्म की रोपाई के समय पौधों को 20 गुना 15 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाना चाहिए। स्वर्णा सब वन, 155 से 160 दिनों में तैयार होने वाली ये किस्म 40 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज देती है। नर्सरी में 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 25 मई से 10 जून तक बीज गिराना चाहिए। इसकी रोपाई भी 20 गुना 15 सेंटीमीटर की दूरी पर करनी चाहिए। आइए आप चौर एवं गहरे पानी के लिए उपयुक्त किस्मों के बारे में जानते हैं, यानी वैसे किस्म जो 1 मीटर तक पानी वाले क्षेत्रों के लिए भी उपयुक्त हैं। सुधा, यह किस्म 150 से 160 दिनों में तैयार हो जाती है। इसकी उपज क्षमता 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। मार्च अप्रैल महीने में 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बीज गिराना चाहिए। इसकी रोपाई के लिए सीधी बुआई, छिटा विधि या फिर हल के पीछे रोपा विधि को अपनाना चाहिए। जानकी, 150 से 160 दिनों में तैयार होने वाली ये किस्म 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की औसत उपज देती है। बिचड़ा तैयार करने के लिए 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 25 मई से 10 जून के बीच बीज गिराना चाहिए। इसकी रोपाई के लिए भी सीधी बुआई, छिटा विधि या फिर हल के पीछे रोपा विधि को अपनाना चाहिए। अगली किस्म है वैदेही, 150 से 160 दिनों में तैयार होने वाली यह किस्म 30 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की उपज देती है। 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 25 मई से 10 जून तक बीज गिरा देना चाहिए। इसकी रोपाई के लिए सीधी बुआई, छिटा विधि या फिर हल के पीछे रोपा विधि को अपनाना बेहतर होता है।